गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रूबी रंजन। सो गाइज आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे सारे जो कपड़े हैं वो बिखरे पड़े हैं, ये मेरा आलमारी भी खुला हुआ है, कुछ कपड़े भी निकाल रहे हैं और कुछ बैग जो है हमारा ये देखिए ऊपर रखा हुआ है और भी बैग है यहाँ पे। तो अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो अभी निकले नहीं हैं घर से। और रांची का मौसम तो बहुत ही बेकार है, सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम सोच रहे थे कि हमारा सरप्राइज जो है वो बेकार ना चला जाए, बट भगवान हमारे साथ है और अभी फाइनली बारिश कम हुई है तभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। तो अभी फाइनली हस्बैंड जी थोड़ा सा तैयार हुए हैं और बेबी तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, देखिए हाय हेलो कर रहा है। तो हमारा जो बेड है वो बेड हमने मोड़ा नहीं है। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मुझे खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। हमने सारे वेट वगैरह यहाँ पे कवर कर रही थी ताकि दो चार दिन भी कहीं रहें तो कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको बता दूँ ये सब तो मैंने राधिका से ही सीखा है ना, क्योंकि राधिका जी इतने अच्छे से घर को मेंटेन करती हैं, वो सारे काम को बखूबी निभाती हैं। एक हाउसवाइफ होने के नाते उनमें सारे गुण हैं। पर राधिका जी मैं आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आपसे ही मैंने ये सब चीज़ देखा है, आपसे सीखा है, मैं आप ही की फॉलो भी कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैं किचन में आ चुकी हूँ बेबी को दूध वगैरह लेने के लिए डिब्बा में, क्योंकि हम थोड़ा दूर जा रहे थे, बीच बीच में कहीं यदि भूख लग जाए तो बहुत मुश्किल करता है बेबी। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन। तो वहाँ से हम निकल चुके थे, निकलने के बाद बीच रास्ते में जैसे ही पहुँचे तो हमें थोड़ी भूख लगी थी, क्योंकि हम सुबह से सिर्फ नाश्ता करके निकले थे। तो हमें ये बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आ गए थे जो बहुत नामी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था, ये बीच बीच रास्ते में ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर गए और समोसा खाया, समोसे से पेट नहीं भरा तो लास्ट में हमने बोला कि क्यों ना आप डोसा ऑर्डर कर दीजिए, बहुत दिन हो चुके थे खाए हुए। और फिर यहाँ पे हमें डोसा ऑर्डर किए, फिर डोसा मिल गया खाने के लिए। तो हम यहाँ पे चख कर देख रहे थे तो हम बोले कि नहीं, रांची की इतना तो स्वाद नहीं है डोसा में, बट कोई बात नहीं, खाने में तो बड़ा मज़ा आया। और हमने यहाँ पे खाया, बेबी भी साथ में खाया, थोड़ा थोड़ा वो खाया जा रहा था, फिर हमसे पूछे कि कैसा लगा, तो मैं बोली कि हाँ ठीक ही था। फिर यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ये रेस्टोरेंट था, फिर हमने यहाँ से मिठाई वगैरह भी लिए, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं, बहुत दिन बाद भी जा रहे हैं तो हमें मिठाई तो लेना बनता है ना। और सब तरफ की यहाँ पे रेसिपी थी, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने थे, बहुत मज़ा भी आया ये सब देखने में और खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ से, धूप थोड़ी निकल चुकी थी तो हम यहाँ से निकलने को तैयार थे, क्योंकि थोड़ा सा ही धूप था निकला, इतना तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बड़े मुश्किल से हमने वहाँ से घर से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, बड़ी मुश्किल भी हुआ। तो हम वहाँ, धूप था तो हम वहाँ पर खड़े थे। सो फाइनली हम दीदी के यहाँ पर आ चुके हैं, फिर आपसे उनको मिलवाते हैं। फाइनली हमें जहाँ आना था हम फाइनली वहाँ पर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन जब उसका जर्नी हम बताएंगे कितना ज़्यादा हमें मशक्कत करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। और इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, तकरीबन जहाँ पे हमें 2 घंटे लगते आने में वहाँ तकरीबन दुगना यानी 4 घंटा लगा आने में, आप बिलीव नहीं कर पाओगे इतना तेज़ बारिश है। देखिए फिर भी हेलमेट वगैरह पहने थे, फिर भी हमारा जो बाल है हल्का हल्का पूरा गीला पड़ गया है, और हमारे पैर के जो पैजामे हैं ना उसका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, तभी जाके हम चेंज करने वाले हैं। और हमने आपको बताया नहीं था कि हम कहाँ पर हैं, बताएँगे, इतना इंतज़ार तो कीजिए। जब यहाँ तक इंतज़ार कर लिए थोड़ा सा और सही, तो हम फाइनली यहाँ पे आए हैं। आने के बाद बेबी इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो अभी आपको हम दिखा दें, यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे आने के बाद इतना ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही थी ना, और अभी भी इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको बाहर जाकर दिखा देती हूँ कि अभी कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं आपको गेट के अंदर से दिखा दूँ। ये देखिए झिमझिम जो बारिश है ना वो स्टार्ट है, अभी भी खुला नहीं है और पता ना जाने ये बारिश कब तक होगी। और हम तो यहाँ पे घूमने आए हैं, पता नहीं ये बारिश हमारा पूरा मज़ा किरकिरा कर देगा ऐसा लग रहा है मुझे। बट आप लोग को ये बहुत चीज़ देखना है तो प्लीज़ आप लोग भी बोलिएगा भगवान से कि भगवान जी जब भी बरसिए थोड़ा 4-5 दिन बाद ही बरसिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैंने आपको तो नाश्ता दिखाया ही नहीं, नाश्ता हमने बहुत चट कर गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हमें, और हमें 4 से 5 घंटे समय लगा यहाँ आने में, इसलिए बहुत तेज़ की हमें भूख लगी थी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे अपने दी के घर आए। दीदी अभी किचन में चाय बना रही हैं हम लोग के लिए, तो अभी बड़ी दीदी है लेकिन खातिरदारी हम करवा रहे हैं, फिर बाद में हम भी करने वाले हैं। बाबू इतना ज़्यादा खुश है, और बाबू के हाथ में क्या मिला है? ये बाबू खेलने के लिए बाबू दिए हैं। ओह
ये देखिए हैंडसम हैंडसम, ये मेरा पहला बेटा है हैंडसम बेटा। और यहाँ पे है ना एक बेटी सोई हुई है प्यारी सी, और एक सबसे बदमाश जो है वो भी बदमाशी कर रहा है बैलून के साथ में, मतलब खिलौने के साथ में। और हमारा जो चाय है वो आ चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ दी के हाथों से चाय पीने के लिए। अभी आपको बहुत सारे डिश हम दीदी के हाथों से चखवाने वाले हैं, तो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं। तो आप सभी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए, और इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसका तो बात ही कुछ और है ना बेटा। आइए आइए। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा बड़ा बेटा है, तो मेरे बेटे के लिए एक लाइक तो बनता है क्या। ये देखिए बेचारा का दांत है ना चूहा ले गया है शायद। सो गाइज, अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी आपको दिखाने वाले हैं। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।